सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल प्रीत व्लॉग। बेसिकली आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सी बाइक लेके आया हूँ। बेसिकली RS खुद में ही एक एक्सक्लूसिव बाइक तो है, बट जो इसकी BS3 वाली जनरेशन थी, आज हमें भाई अपने तरुण भाई मिले हैं। जो हमें मिला भाई एक मोहम्मद शाकिब भाई है, वो भाई के भी सब्सक्राइबर है और मेरे भी, मतलब एक वीडियो की वजह से उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। जो भी कुछ उन्होंने वीडियो वगैरह देखी, तो सबसे पहले तो भाई उनको बहुत बहुत थैंक यू जिनकी वजह से हमें भाई मिले। तो भाई तरुण भाई सबसे पहले वेलकम। भाई तरुण भाई का भी चैनल है, स्पेशली RS को लेकर अगर कोई भी कंसर्न रहता है ना, तो भाई ये A to Z चीज़ें खुद ही ठीक कर देते हैं। तो भाई के चैनल पर विजिट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। तो आज इनसे थोड़ा सा एक ओनरशिप रिव्यू पूछते हैं कि यार 6 साल से बंदा एक जो RS यूज़ कर रहा है, तो मतलब RS के अंदर कुछ चीज़ें ना ऐसी बन चुकी है कि मतलब वो कहते हैं ना कि बजाज ये चीज़ आपको देगा ही देगा। BS6 ले लो या चाहे BS10 भी ले लो। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो भाई RS क्यों परचेज करी थी, मतलब RS ही क्यों? वो लुक थी ना, थोड़ा लुक अट्रैक्ट करती है, पता ही आपको। अच्छा, मतलब लुक की वजह से RS फाइनलाइज कर दी। पहला स्लॉट था, पहले आरन का मन था, बट ठीक है, येलो कलर तक पता ले लो। येलो कलर में आज भी मतलब अट्रैक्टिव लगती है बाइक, अगर यार जाए तो देख के मतलब लगता है कि हाँ यार RS जा रही है। तो भाई सबसे पहली चीज़ तुम यही बताओ कि इसके अंदर क्या ऐसी स्टोरी है, जो मतलब समस्या है इसकी, प्रॉब्लम? भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो सबको पता ही है, उनकी दिक्कत तो भाई रहती है जहाँ पे फ्यूल कम रहता है। हाँ। वो अगर तुमने जैसे कभी कभार कम पेट्रोल पे चलाते हैं बाइक, थोड़े किलोमीटर आते 400-500-1000 किलोमीटर कम पेट्रोल पे 2-3 लीटर पर, तो बोल दिया था। तो ये 90% RS 200 में आती है, बाकी किसी की नहीं आती, वो डिपेंड करता है किस्मत वाली बात है। और दूसरा भाई दिक्कत आती है जो ये, वो भी कुछ ही केसेस में बाइक है जो यहाँ पे ऑल्टरनेटर को होती है, जहाँ पे चार्ज करती है बैटरी को, तो ये भी दिक्कत करती है कभी कभार। ये है कि 13-14 साल में ठीक आती है, बट ठीक है वो भी दिक्कत आती है बहुत 90% बाइकों के अंदर। अच्छा, कुछ मेजर ऐसी प्रॉब्लम होता है जो मतलब अभी तक इन्होंने सुधारी थी ना, आज तक BS6 में सुधारी है भाई? जो मुझे लगता है फ्यूल पंप, एक फ्यूल पंप, दूसरा वाइब्रेशन करती है बहुत जल्दी। इसमें तो खैर वाइब्रेशन की दुकान है भाई पूरी। दुकान इसमें तो इसका तो वाइब्रेटर ही बोलो, वाइब्रेशन का वाइब्रेटर बोलो इसे तो। बट ये कि रॉ पावर है पूरी, कंपेयर करोगे BS4 से BS6 से, कहीं ना कहीं पावर में रॉकेट है भाई, 200 cc रियली भाई, ये रॉकेट है। अभी हमने इसको चलाया, मतलब ऐसे भाग रही है भाई, गोली की तरह नीचे से निकलने को तैयार हो रही है। अभी इसकी एक छोटी सी राइड भी करके देखी थी, तो वहाँ पे मतलब राइड क्वालिटी को लेकर पंगा नहीं है, बट जो वाइब्रेशन है वो तो इसमें बहुत ज्यादा है। BS6 में थोड़ी कम हुई है, मगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गई है, वो पावर है कम उसमें भी, पावर कम कर दी ना तो वाइब्रेशन कम होगी, बट लेकिन वो मजा नहीं है रो वाला। दूसरा ड्रॉबैक भाई इसकी क्लच प्लेट, राइडर से कंपेयर करोगे और बाइक से थोड़ी भारी बाइक है ना, क्लच प्लेट जल्दी वेयर आउट होती है। और जो सिटी में चल रही है बाइक जल्दी वेयर एंड टियर होगा, बाकी डिपेंड करता है अगर क्रूजिंग हो रही है बाइक की, लॉन्ग हाई इसकी चल रही है राइड सन राइड वगैरह पे। हमारी फूक गई क्लच प्लेट 2500 किलोमीटर पर फूक गई, वही चीज़ तो भाई, वही चीज़ तो मूड खराब करने वाली हो रही है। उसका भाई Part 2 वीडियो का मैं लाऊंगा, इसके बाद लाऊंगा थोड़ा। बट अगर जिनके पास BS3 वो समझ चुके होंगे, अगर सिटी में चल रही है तो मैक्सिमम लाइफ 15,000 किलोमीटर क्लच प्लेट की, या 16 हद से इससे ऊपर नहीं। क्लच प्लेट ही बोल भी मांगती है क्योंकि भारी वजह ना, और थोड़ा सिटी में रहता ही है। जब क्लच प्लेट इसकी बोली जानी है, हाँ बोल जाते पूरी असेंबली चेंज होती है, असेंबली चेंज होती है। तो इसका मतलब यार एक बात बताओ, जब तुमने इसकी करा ली, थोड़ा मतलब कोई एक सर्टिफाइड रीजन है इस चीज़ का क्लच प्लेट खराब होने का? भाई सर्टिफाइड इसका वेट ना 165 kg विदाउट फ्यूल, विद फ्यूल अराउंड अगर फुल टैंक है तो वो 180 क्रॉस भी आता है। हाँ, जब फ्यूल आएगा तो वेट आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से बॉडी का वेट भी है, ठीक है, क्योंकि 200 cc में ना कोई बाइक नहीं है इतनी ज़्यादा वेट उसका। अच्छा, इसमें अच्छा खासा वेट है, बहुत ज़्यादा वेट है। जो 390 आती है ना वो 168 का वेट आती है, ये 160 और 200 में आती है। मतलब मेरे को तो थोड़ा इसका मतलब पर्सनली देखा है, मुझे इसका वेट इतना ज्यादा नहीं लगता क्योंकि मैं डेली बेसिस पे डोमिनार डोमिनार वाले को नहीं लगा, तो मुझे तो हल्की सी लगती है, मुझे इतनी भारी नहीं लगती, पर 200 के साथ बहुत भारी है। अच्छा, 200 के साथ अच्छा खासा वेट है, बहुत ज्यादा वेट है भाई, 160 में बहुत है। और भाई एक बार सबके साथ वो शेयर करो कि आपकी भी नई बाइक का गियर बॉक्स का पंगा आ गया। हां भाई, जो नई बाइक लाए थे 2015 की बात है, सितंबर के आसपास, तो जुलाई में बाइक आ गई थी मेरी, तो यहां पे ये गियर बॉक्स का गियर बॉक्स खराब हो गया था इस तरीके से। तो हुआ क्या, मैंने घर पे सेंटर पे दे दी थी बाइक, बट ठीक हो गई थी, वो वारंटी में थी, तो ऐसा इशू नहीं आया। और जो मीटर की बात है, इसमें तीसरा मीटर है थोड़ा, ओ भाई साहब तीसरा मीटर डल चुका है भाई, क्योंकि इसका जो ये था ना मीटर, पहला वाला तो मेरा 7 दिन बाद ही खराब हो गया था जो मीटर, उसमें उछाया था उन्होंने, वो भी मेरा फ्री में ठीक कर दिया। दूसरा मेरा एक्सीडेंट मेरी गलती हुआ था, और बाकी चूहनों की वायरिंग वगैरह काट दी थी यार, उसमें फॉल्ट आ गया था, बाकी तो मीटर ठीक है, वायरिंग का इशू तो, बाकी सर्विस इतनी गंदी है भाई, खड़ी करने का मन नहीं करता भाई। भाई रियली भाई, बजाज की ना मतलब यार बाइक लेते हुए बंदा इतना नहीं डरेगा, मतलब सेम यार वही टाटा वाला हाल है, टाटा की मतलब बंदे गाड़ियों से नहीं डरते, सर्विस स्टेशन से डरते हैं। हमारा भी भाई इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, आप लोग ये लगा लो बजाज के साथ, दिल्ली का ऐसा कोई शोरूम है जहाँ हम नहीं घूमे। आज मंडे है, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं मंडे को Part 2 डालूंगा क्लच प्लेट वाली वीडियो का,
मगर उसका भी थोड़ी सी मतलब बहुत छोटी सी क्लिप है, दो तीन मिनट का, तो वीडियो बनाने का सेंस नहीं बनता। आज भी इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है ना वहाँ का, आपको मैं बताऊंगा यार, उसका देखता हूँ वीडियो का, मैं कुछ करता हूँ। और भाई जैसे 6 साल होने वाले बाइक को, तो 5 साल बाद कौन सा की दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो आती है ना, चलो ये तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, वारंटी होता है ये चीजों का। बट लेकिन भाई इसे चेंज करने में ही उन्होंने 18 दिन बाइक रखी, 18 दिन ये चीज बहुत लंबी है। एक बाइक हो उसे अपना ऑफिस जाना है या किसी काम से जाना है या फैमिली में ही एक बाइक हो, 18 दिन तक बंदा कैसे ट्रेवल करेगा? क्योंकि इसमें हुआ क्या था, साथ में वाटर पंप की सील होती है, कूलेंट की, दिखाता हूँ आपको, और डोमिनार की भी डलवाई थी मैंने, हाँ, जो इधर है पे कूलेंट की, वाटर पंप की सील होती है इधर की तरफ, तो मेरे को दोनों काम साथ कराने थे, तो वाटर पंप की सील अवेलेबल नहीं थी तो वहाँ उनके पास, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, एक्सपेंसिव ज्यादा आती नहीं, 250 रुपये की आती है, बट लेकिन साथ जब वो पार्ट नहीं था, ये तो अवेलेबल था पार्ट, बट वो नहीं था, जो उन्हें साथ डलनी थी, तो 18 दिन में मेरे को बाइक मिली अपनी हैंड ओवर करके। अब देख लो यार, 18 दिन अगर बंदा अपनी बाइक के लिए इंतजार ही करता रहे तो क्या फायदा है ऐसी बाइक खरीदने का? एवरेज कैसा देती है ये भाई? BS3 है ना, बहुतों की देखिए 30-35, बट मेरा 25-26-27। ड्राइविंग कंडीशन अच्छी भी रखोगे ना, 28 मैक्स टू मैक्स 30 बहुत ही रहता है, और कम से कम 22 से नीचे नहीं उतरती, 22 से नीचे नहीं उतरती, 23-24 से नीचे उतरेगी, 22-23-24 चल कितनी भी रफ चला लो, कितनी भी रफ, रो पावर ना थोड़ी सी एवरेज का, बट इतना भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जैसे सर्विस सेंटर पे खड़ी थी बाइक, तो यहाँ के नट्स गायब कर दिए, तो मैं दिखाता हूँ, वो तो भाई उनकी बहुत बहुत अच्छी वाली आदत है, करके डाले मैंने ये वाले, देखो ये नट डाला है, ये मैंने खुद आफ्टर मार्केट ला के डाले यहाँ वाले नट, ये वाले नट की मैं बाइक की वीडियो का ना आपको लिंक भी दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना कैसे डाले, अगर खुद डालना चाहो ना डाल सकते हो, बजाज के चक्कर में मत पड़ो भाई, मैं तो कहूंगा अगर RH जैसी बाइक खरीद रहे हो, बजाज की बाइक खरीद रहे हो, थोड़ा बहुत काम हाथ से ही करना शुरू कर दो, बिल्कुल भाई, क्योंकि भाई 18 दिन छोड़ना। और भाई मैंने BS4 वाले ओनर का जो रिव्यू डाला था ना, उन भाई का भी यहां से मतलब नीचे से फ्रेम तोड़ दिया था, नट गैप कर दिए थे, वही चीज भाई बाइक के साथ भी है। जैसे ये मैंने सर्विस सेंटर पे भी लेके आया भाई, उन्होंने चाबी मेरी रिप्लेस कर दी दूसरी चाबी से, तो वहाँ ये लॉक लग नहीं रहा था, बाकी तो चीजें काम कर रही थी ना, हैंडल वाला लॉक लग नहीं रहा था पूरा, तो मेरे को उसमें लॉक चेंज कराना पड़ा, उन्होंने तो खैर क्लेम लिया नहीं इस चीज़, मतलब यार ये बजाज की गलत चीज है ना, कि मतलब आप कस्टमर के साथ ऐसे कर रहे हो, तो मुझे लोग पता है वीडियो के नीचे कमेंट आके क्या करेंगे, कहेंगे कि यार जब तुम्हें पता है कि इतनी बेकार कंपनी है, ऐसी है वैसी है, तो तुमने खरीदी क्यों? भाई देखो, अगर खरीदने से पहले पता होता ना, जिंदगी में चवन नहीं देते ऐसी कंपनी को, खरीदने के बाद ही इन बातों का पता चलता है। आप वीडियो काफी देख लोगे, अब जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिन लोगों को खरीदने की, जिन लोगों की फेवरेट बाइक है, वो पता है क्या बोलेंगे, ये जानबूझ के ऐसा बोल रहे हैं। भाई देखो, हम जानबूझ के नहीं बोल रहे, अगर आपको लगता है कि हम जानबूझ के बोल रहे हैं, हम जानबूझ के ऐसा कह रहे हैं कि कोई बाइक खरीदना चाहे किसी की ड्रीम बाइक है तो उसको ना खरीदे। भाई देखो, जिस चीज़ से हम परेशान हो रहे हैं ना, हम मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, तो भाई वो चीज़ आपके साथ ना हो, बस सिर्फ यही हमारा पर्पज रहता है वीडियो बनाने का। वाइब्रेशन तक झेलने पर कुछ चीज़ें ना उनकी दिमाग में दर्द करती है भाई। तो ये मैंने लॉक सेट मेरा मिल गया था BS3 का था, तो आकाश चतुर्वेदी भाई यूट्यूबर है, उनसे मंगवाया मैंने, खुद चेंज कर दिया, लगा पूरा ये लॉक सेट, तीनों लॉक आए थे, वो खुद चेंज करे, ये भी मेरा अराउंड चेंज हुआ, फिर पूरा मैंने चेंज करवा दिया। तो भाई आज तक जैसे 6 साल में आपने इसके अंदर जितनी भी चीज़ चेंज करवाई है, ओवरऑल एक टोटल अमाउंट बता दो, कितने पैसे पी चुकी है ये? भाई पहला फ्यूल पंप हो गया, फ्यूल पंप उसके अराउंड मान लो 3 मीटर 6000 मीटर का, तो एक ही दिया एक्सीडेंट की वजह से, एक तो अपनी गलती से गया और एक बाइक का गया, तो एक ही गिन लेते हैं। एक मीटर चलो मैंने डाला 4500 का था एक मीटर ना, हाँ, और फ्यूल पंप का डाला मेरा 5500 का, फ्यूल पंप 10,000 और स्टेटर कॉइल डली थी मेरी 300 रुपीज़ की लेबर, ठीक है, और वाटर पंप सील की मेरी 20 रुपीज़ की, ठीक है, वाटर पंप सील मेरी बाइक में भी डलती 2,500 रुपये की डली थी भाई डोमिनार में, वो लेबर ला करके कॉन्सेट वगैरह 2,000 रुपये का बिल आ गया था। बाकी ये है कि यार उसकी दिक्कत नहीं है, क्लच असेंबली भी डली है, बट लेकिन जिनका ये है ना सर्विस बहुत ही बिल्कुल अच्छी नहीं है यार, बिल्कुल गंदी, पता है यार, देखो पता है सर्विस से ना आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि यार हर जगह ऐसा, भाई देखो दिल्ली का तो पर्सनल देखो, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत खराब है और भाई का भी एक्सपीरियंस बहुत खराब है। अब भाई और आपके स्टेट में अच्छा हो तो मैं कह नहीं सकता, बट भाई दिल्ली का तो एकदम वर्स्ट है, मतलब इतनी बड़ी जगह है, मतलब आप कह सकते हैं कि सब कुछ है भाई दिल्ली में, और मतलब ऐसा सब कुछ। भाई क्लच असेंबली डली थी पूरी नहीं, अराउंड डली थी 2500 की क्लच असेंबली थी, BS3 है ना, उसका तो मॉडल डला पूरा, तो मतलब मोटा मोटा हिसाब 5,000 का होता है, ठीक है ना। और भाई अपने बिल दिखाओ, भाई के पास कम से कम 7-8 बिल है भाई, अभी मैं दिखाता हूँ, 3-4 तो गायब है, 3-4 अभी गायब है, इतने बिल पड़े हैं भाई, अब लगा लो कितने, मतलब कितने पैसे तो बिल में ही चले गए, थोड़ा ऐसे दिखाना कॉन्टैक्ट वगैरह ना दिखे, हाँ एक्सीडेंट वाला रहने रहा हूँ, कर अपनी गलती थी। तो भाई एक अमाउंट वगैरह छोड़ो, आप सिर्फ बिल गिनती करो कितने हैं, 2, 3, 4, 5 और ये वाला देख रहे हो आप, ये सारे पार्ट्स चेंज हुए हैं, 6 और ये 7 और ये 8, लगभग लगभग ये 8 बिल हैं, जिसमें से भाई कह रहा है 2-4 गायब हो गए हैं,
अब आप लोग कहेंगे काफी सारे बिल के अंदर एंट्रीज काफी कम है, मगर कई बिलों में जो छोटी एंट्री है ना अमाउंट बहुत ज्यादा है मगर उनका, और एक तो इतना बड़ा है। तो भाई जो मैंने वीडियो जो चीजें मांगती नहीं भाई वो भी मांग रही है, समझ गए तुम? हाँ, ये फालतू की चीजें तो, बट तुम्हारे साथ जो केस हुआ है वो तो भाई बहुत ही गलत। भाई देखो हमारे केस का ना हमें रीजन समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, या तो डिफेक्टेड पीस है मुझे ऐसे लग रहा है। चल गई बाइक मांग, कोई दिक्कत नहीं, चलो चल गई बाइक मांग, तो चलो ठीक है 91 बाइक को मैं फील करती। हां, पर तुम्हारा वाला केस कोई जस्टिफाइड नहीं भाई, वो उस चीज को अगर मुझे बजाज प्रूफ नहीं करके देगा ना भाई, मैं उसके ऊपर बवाल खड़ा करूंगा। मैं उसके ऊपर 100 किलोमीटर बाइक बिल्कुल नहीं है भाई, एक बात तो सोचो 2500 किलोमीटर होते ही क्या है, कुछ भी नहीं। और रेसिंग स्पोर्ट्स तुम इतना बड़ा बड़ा लिख के दे रहे हो आर एस, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर तुम्हारी ऐसी बाइक है, अगर इसके अंदर इतनी जान नहीं है, कैपेबल नहीं है भागने के, बेचनी बंद कर दो। और भाई ये फॉल्ट काफी बाइकों के साथ है, और हाँ एक के नहीं है, बहुतों के साथ है, साथ हैं, बस ये रिवील नहीं होते, बस यही चीज है भाई, ये हकीकत है। कुछ लोग क्या है वीडियो बनाने से या डालने से डर जाते हैं, फिर कुछ लोग मतलब ये सोचते हैं कि चल छोड़ यार जो का देखा जाएगा। अब भाई हम तो जितना था बर्दाश्त करने लायक कर लिया, अब जो है नहीं कर सकते। बाकी यार ओवरऑल अगर आज की डेट में किसी से कहा जाए कि आरएस ले लो, क्या एक्सपीरियंस शेयर करोगे भाई? जब इस रेट में इतनी अच्छी बाइक आई तो आरएस में मत जाना बिल्कुल भी। अगर आपको देखना है इसके ड्रॉबैक्स देख लो, अच्छी नो डाउट लुक वगैरह से अट्रैक्ट होगा, बट लेकिन उसकी तरफ देखो आर्म फाइव वगैरह लेते हो, पावर की बात है भाई ठीक है, 4-5 HP कम चलती, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। पर माइंड तो फिर रहेगा भाई। हाँ, पीस ऑफ माइंड अगर चाहिए ना तो भाई आरएस को छोड़ सकते हो, बाइक खराब भी ना हो ना, छोटे मोटे फॉल्ट ना है तब भी एक परफेक्शन है आर्म फाइव के अंदर, एक कंट्रोल जो है ना स्मूथ स्टेबिलिटी, कोई मुकाबला ही नहीं है भाई देख रहे रेट में चाहिए तो। अगर आपको भाई चलो मुझे तो आप कह दोगे कि चल तूने तो भी 2 महीने पहले से चला रहा है, तो इस वजह से बोल रहा है भाई, अगला बंदा 6 साल से चला रहा है तो भाई भाई को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, जब ही इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोल रहे होंगे। तो मतलब यार बजाज अब वो वाली बात नहीं रही जो पहले थी बिल्कुल, अगर कुछ खराब भी ना तो वाइब्रेशन नहीं झेल पाओगे आप इसकी, जिनका वाइब्रेशन ना इरिटेट करती बहुत है। और दूसरी बात है चुभती है वो यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, मतलब ये मान लो और भाई को कंपेयर करोगे इस रेट में तो मैं तो मना ही करूँगा, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर भाई। अगर चाहिए फिर अगर आप फिर भी अगर आपको लेना तो भाई मेरे जैसे जैसे कि ड्रीम बाइक। हाँ, ये ड्रीम बाइक लेना, सेकंड ले लो एक बार, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में कम चली हूँ। और एक चीज और है भाई, अगर आप इसे खरीद लो ना और सोचो कि चल बेच के दूसरी ले लेते हैं, रिसेल जीरो, बिल्कुल रिसेल, रिसेल जीरो, बिल्कुल जीरो रिसेल नहीं है इसकी बिल्कुल भी। R15 V3 की इतनी बेहतरीन रिसेल आती है ना भाई, इतनी बेहतरीन, इसकी रिसेल विसेल नहीं है, क्योंकि पता है भाई देखो बजाज के इंजन खराब होते हैं, ये चीज एक बार बहुत मशहूर हुई थी BS3 में, अभी भी है ये चीज भाई, एक के साथ तो दोगे पर सबके साथ हो रही है कुछ तो दिक्कत होगी, ये बात भी है बिल्कुल बात है। चलो एक के साथ हो सकता है, सबके साथ हो रही है तो कुछ तो भाई तुम्हारी बाइक में है गड़बड़। और ये बात नहीं, चलो ठीक है ऐसा भी, पहले तो बर्थ रहती थी 130-140 में भाई, तो ने 1,32,000 रुपए खरीदी थी। हाँ। और हमारी वाली जो RS है वो 1,80,000 रुपए की है, तो यही प्राइस डिफरेंस भी अच्छा खासा है। और प्राइस के अलावा अगर दोनों बाइकों को मैं साथ में खड़ा कर दूं ना, आप लोग देख के कह नहीं सकते हो कि ये बाइक इतनी फर्क है, एक कलर का फर्क है, एक डुअल चैनल उसके अंदर ABS है, बाकी पार्ट से लेकर बटन से लेकर हर चीज डिक्टो सेम है। मुझे तो लगा था BS6 अच्छी बनाएगी, बट लेकिन तुम बता करोगे उसमें फॉल्ट है भाई, बिल्कुल मना करूंगा ठीक है। अब हम उसे छोड़ के आ गए शोरूम पे, अब भाई पता नहीं कितने दिन में देंगे, जब तक वो देंगे नहीं मैं उसका कैसे वीडियो लाऊंगा आपके लिए। कोशिश करता हूँ अगर बिना उसके अगर मेरे को कुछ क्लिप भी ऐड करके बना पाए तो मैं उसका वीडियो डालूंगा, क्योंकि डालना भाई बहुत जरूरी है, आज भी कुछ ड्रामा है वो बताऊंगा उसी वीडियो में भाई। 180 हार्ड एंड मनी होती है, और तो उसमें ऑब्वियसली भाई वेस्ट ना जाने अपना सोच समझ के लेना ठीक है। अच्छी वीडियोज मिलेंगी तुम्हें रिव्यू देने वाले, बट एक बार ड्रॉबैक्स देने बहुत जरूरी है मैं चीजों के लेने से पहले। मैं तो यही मानता हूँ कि भाई खरीदने से पहले उनके नेगेटिव देख लो, अगर आपको लगता है कि मैं इन नेगेटिव को झेल सकता हूँ हाँ। तो ठीक है भाई, बता रहे हर महीने का ना 2-3 हज़ार का इसका खर्चा है, चलाओ या ना चलाओ अलग रहता, पेट्रोल तो अलग ही रहा, वो तो तुम डलाओगे तो तुम्हारी मर्जी है। और अब ये लोग कह रहे हैं कि क्लच प्लेट चेंज होगी हमारी बाइक की, अगर तो उसके साथ इंजन ऑयल भी चेंज करेंगे भाई, वो डेफिनेटली होगा। और इन्हें और एक चीज़ और है, इन्हें तो हमने बताया भी नहीं, हमने अपनी बाइक में सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवा रखा, कहीं बेकार वाला ना डाल दो बजाज का। बजाज का डालेंगे, मना करेंगे, तुम्हारी बाइक नहीं है ना अभी हाँ। तो बोलेंगे वारंटी वॉइड कर दो, कर दो पहले चेंज कर दे, यही बहुत है भाई। हाँ ये भी है, पहले चेंज कर दे, ये भी बहुत बड़ी बात है। बजाज का डाल दो, क्योंकि सब भाइयों ने ना जितने भाई देख रहे हैं उन सब ने भाई रिकमेंड करा है मॉड्यूल डलवाओ, मॉड्यूल यूज कर रहे हो? हां मॉड्यूल लिखी मॉड्यूल, हम थोड़ा लिक्विड मॉड्यूल और मॉड्यूल में ही अभी रिसर्च कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं उस पे, देखते हैं अभी जो भी रिस्पॉन्स रहेगा उसमें से कोई एक डलवाते हैं। बाकी देखो यार अभी तो RS को लेकर भाई मैं भी थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में मैंने भी खूब बोला कि यार RS अच्छी बाइक है, बढ़िया है, चलाने में सही है, हर चीज में अच्छी है, भागती खूब अच्छी है, मगर यार ऐसा क्या भगाना यार जो कि मतलब तुम हर तीसरे दिन उससे परेशान होते रहो। 2 महीने पुरानी है हमारी बाइक की, जहाँ तक उसका पेंट उतरना शुरू हो गया भाई, वो देखिए मैंने जरा पेंट तो एक बार को बहुत रेयर कर रहा है, जस्टिफाई कर लेती कोई नहीं हो जाएगा, बट ये क्लच वाला जो बहुत गलत है यार, क्लच वाली चीज़ से ही ना जब से ही थोड़ा मतलब मूड खराब हुआ है, जब से मैंने इतने वीडियोज वगैरह इसके ऊपर निकाले हैं। और कुछ टाइम बाद अगर तुम देखना 1-2 साल चलाओगे थोड़ा सा कम फील बन जाएगा,
और हो सकता है भाई ये वीडियो शायद कुछ दिनों बाद चैनल पे से हट जाए ना, तो समझ जाना कुछ बजाज ने एक्शन ले लिया है, ठीक है। अगर ये हट जाए तो, और अगर चलती रहे तो फिर तो कोई बात ही नहीं। बाकी तुम डिसाइड करना कि 180 या 90 जो फाइनेंस कराते हैं लोग, हाँ वो पड़ेगी 230 के आसपास, 220 के। सही बात है, देखो फाइनेंस कराओगे तो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट भी जाएगा, तो वर्थ नहीं है बिल्कुल भी। अगर ऐसी लो जो वेस्ट भी ना करें, मम्मी को ठीक रहा है, रिलायबल तो एटलीस्ट रिलायबिलिटी तो होनी ही चाहिए, कल के दिन को बेचने का दिल करे तो रीसेल भी मिल ही जाए। चलो ये तो कर मैं, देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हमने अपनी बाइक के ना वैल्यू लगवाई थी BS6 वाली की, हमने कहा जिसकी वैल्यू लगवाई है 2 महीने पुरानी बाइक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ना अपने हिसाब से बताना, अगर 180,000 रुपए की बाइक खरीद रहे हैं तो भाई तुम बताओ कितने की मिलनी चाहिए उसकी रीसेल। अच्छा तो गिरा दो 20-30 हज़ार, 20 हज़ार बहुत, 40,000 रुपए गिरा दे, 40 तो बहुत बोल दे, 1-40 तो मिलने चाहिए कम से कम भाई, कम से कम, कम से कम। और पता है गाइस हमें कितनी रीसेल बताई है, 1,16,000 रुपए रीसेल आई नहीं बिल्कुल, 1,16,000 रुपए भाई, 2 महीने के पीछे तुम 60-70 हज़ार रुपए गिरा दोगे बाइक के, और बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है भाई, क्या है उसमें कुछ भी नहीं, मतलब क्या बोलो यार, मैं तो अभी स्पीचलेस यार भाई। वो ये देख लो, ठीक है देख लो भाई, देख लो भाई पहले अच्छे से भाई, हाँ बिल्कुल दिल पक्का करके ले लेना, अगर कल के दिन को कुछ दिक्कत आए ना घबराना मत फिर कि हाँ भाई करवा लो, ठीक करवानी तो पड़ेगी। अभी फिलहाल हम देखते हैं हमारा क्या स्टेटस रहने वाला है। फिलहाल भाई तरुण भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर लगा है कि मतलब आपकी बाइक के अंदर कोई चीज़ आप खुद ठीक करना चाहो तो भाई का चैनल देख लो, ये खुद ठीक करते हैं घर में सारी चीज़ें और आपको गाइड भी कर देंगे। इंस्टाग्राम का भी मैं दे दूंगा भाई का लिंक, आप आके वहाँ पे बात कर सकते हो। तो भाई बस आज के वीडियो में इतना ही, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग।